dear students, how are you all? I hope you are doing great. So, class 9th का exams are on head. ठीक है, class 9th के students को लग रहा होगा कि यार हमारे लिए तो इतना ज़्यादा material होता ही नहीं है, तो हमें भी help चाहिए कि किस तरीके से one shot में हर chapter का revision हो जाए और marks जो है बहुत अच्छे हो जाए, क्योंकि हमें भी topper बनना है school का. राइट, सो आज हम रिवीजन करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं विंड पोएम का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. सो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किसने लिखी है, क्या है इस पोएम में, सेंट्रल थीम क्या है एंड ऑल द थिंग्स. सो सुब्रमण्य भारती ने आपकी ये विंड पोएम लिखी है. ओके, एंड ये जो पोएम है ये सबसे पहले तमिल में लिखी गई थी. ओके, तमिल में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ए के रामानंजन ने. इट हैज बीन रिटन इन तमिल लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ए के रामानंजन. ओके, सो चिन्नस्वामी सुब्रमण्य भारती ऑल्सो नोन एज भारतीयर वॉज अ तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर एंड अ पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट कौन होता है? हु नोज द सेवरल लैंग्वेजेस, सो उसे हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं. ओके, सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर पोएट. सो पोएट का नेम याद होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम. सो द पोएम गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. कोई भी हार्डशिप आती है, ऑब्स्टेकल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, सो वी शुड नो हाउ टू डील विद इट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉर्ट द ऑब्स्टिकल्स. सो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम वीकलिंग्स की तरह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के आने से. ऑल राइट, सो इसी पोएम में कंपेयर किया है हमारी लाइफ के हार्डशिप्स को किससे, विंड से. अगर देखो विंड आती है, बहुत तेज आंधी आती है, तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, पेपर्स रखे तो स्कैटर हो जाएंगे. अगर बहुत वीक आपके क्लासेस है या फिर बहुत ही वीक डोर्स और फर्नीचर है, तो वो सब भी गिरने लग जाता है, टूटने लग जाता है. तो इसी तरीके से जो हमारी लाइफ की हार्डशिप्स होती है, अगर और हम उन सिचुएशंस में स्ट्रांग नहीं रहे, तो हम भी वीकलिंग की तरह ब्रेक हो सकते हैं. ऑल राइट, सो चलो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं. आई विल टेल यू पोएटिक डिवाइसेस इज वेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई नो कि आप लोगों को इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का, देन वी विल सी पोएटिक डिवाइसेस एंड आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पोएम जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे. ऑल राइट, चलो. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो इसमें पोएट बोल रहे हैं किससे, विंड से बात कर रहे हैं और विंड को बोल रहे हैं कि भाई तुम हवा जो हो, तुम थोड़ा सॉफ्टली आओ, आराम से आओ और तुम जो हमारे विंडोज के शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करो, उनको तोड़ो मत. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स अच्छे से रखे हुए हैं, उनको अच्छे से सेट करके रखा हुआ है, तो उनको तुम्हारे आने से वो स्कैटर हो जाते हैं, तो तुम आराम से आओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो मेरे शेल्फ में इतने अच्छे से बुक्स रखे हुए हैं उनको भी नीचे मत गिराओ. ओके, सो बेसिकली इस वाले स्टैंजा में पोएट विंड से बात कर रहे हैं और विंड को बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा आराम से आओ ताकि चीजें मेस ना हो. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा में है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. सो अब यहाँ पर विंड आ चुकी है, तो विंड के आने से क्या हो गया है, तो पोएट उसको बोल रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया. ओके, ये किसको बोल रहे हैं, विंड को बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं, पोएट, कि देखो तुमने क्या कर दिया, ये तुमने सारी चीजें जो है खराब कर दी है, सारी चीजों को जो है तुमने ब्रेक डाउन कर दिया है और सारी चीजें तुम्हारी वजह से मैसअप हो चुकी हैं. सो तुमने पेजेस जो हैं बुक से उनको टोर कर दिए हैं. टोर हियर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेयर. ओके, सबको टेयर कर दिया है एंड तुम फिर से बारिश भी लेकर के आ गए हो एंड तुम्हें बहुत मजा आता है वीकलिंग्स का फन बनाने में, मजाक बनाने में. पोकिंग फन मतलब मजाक बनाना. ऑल राइट, सो वो वीकलिंग्स को
ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये बुक्स हैं, शेल्व्स हैं, या फिर पेपर्स हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, तुम्हें मज़ा आता है ना इन सब, ये सब वीकलिंग्स है तो तुम्हें इसको सबको ब्रेक करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब क्या है इसमें, ये कहना चाहते हैं कि दुनिया जो होती है वो मज़े लेते हैं किन लोगों के, जो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा गाते रहते हैं या फिर क्या रोते रहते हैं, सो हमेशा उन लोगों की मजाक बनाई जाती है। ऑल राइट, देन अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं। पोकिंग फन मतलब वही होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, एंड वीकलिंग्स अ पर्सन हु इज वीक। ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखो पोएट क्या कह रहे हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। सो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड मीनिंग दिखा देती हूँ मैं आपको। क्रम्बलिंग मीन्स होता है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक। ओके, क्रम्बलिंग यहाँ लिखा है ना, तो किसी चीज का ब्रेक हो जाना किसी वजह से। और राफ्टर्स क्या होते हैं, द स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो स्लोप्स होते हैं ना ऐसे बीम्स जिसे बोलते हैं हम वो। एंड विंडोज क्या होते हैं, टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ शार्फ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क ऑफ ब्लोइंग ऑन इट। आपने कभी विलेजेस में देखा होगा जब गेहूं कट करके आता है फील्ड से, तो उसको इस तरीके से उसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसका शाफ अलग हो जाता है, डस्ट अलग हो जाता है और गेहूं का दाना अलग हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड विनोज। ओके, सो अब इसमें क्या कहना चाहते हैं हमारे पोएट। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। सो जो वीक पर्सन होते हैं, जो वीक हाउसेस होते हैं, जो वीक डोर्स होते हैं, जो वीक राफ्टर्स होते हैं, जो वीक वुड होता है, वो सब क्या हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं एक विंड आने से ही। ऐसे में अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्डशिप्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो बॉडीज क्रम्बल हो जाती हैं। आप फिजिकली नहीं स्ट्रांग हो अगर, तो फिजिकली आप क्रम्बल हो जाओगे, आपकी लाइफ जो है क्रम्बल हो जाती है, आपके हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, अगर आपका दिल मजबूत नहीं है किसी चीज को सहन करने के लिए तो क्रम्बल हो जाता है। सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। सो जो विंड के देवता हैं, किसके, हवा के, वायु के जो देवता हैं, जो विंड गॉड हैं, वो क्या करते हैं, विनोज को और क्रशेस को सबको अलग अलग कर देते हैं, लाइक शाफ अलग हो जाता है और जो आपका अलग पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो अलग हो जाता है। जैसे कि जो हमारी लाइफ की हार्डशिप्स होती है वही डिसाइड करती है कि कौन सा पर्सन वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ऑल राइट, सो ये था इसका मतलब। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम नाउ, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। ओके, सो अब यहां पर जो है ये ही कौन है, पोएट। वो किससे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि जो तुम हवा को बोलोगे, अब ऐसा है क्या, विंड ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल में नहीं रख सकते, वैसे ही लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है जिनको हम लोग कंट्रोल में नहीं रख सकते। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, अगर पता होता तो हम उस प्रॉब्लम का सलूशन आज ही ना निकाल लेते। सो वैसे ही, सो हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, और जो तुम बोलोगे विंड से वैसा नहीं होगा। सो कम, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग होम्स बनाते हैं और हमारी बॉडी को फॉर्म बनाते हैं ताकि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आए तो हम उससे हमारा इम्यून को स्ट्रांग करके और अच्छे से उससे फाइट कर सकें। एंड डोर्स को फॉर्म बनाते हैं ताकि विंड के आने से डोर्स भी क्रम्बल ना हो, और हमारे हार्ट को भी स्टेडफास्ट यानी कि स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी थॉट से हमारे हार्ट पर बिल्कुल भी असर ना हो। His friendship is good. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. Do this and the wind will be friends with us. So, ये बहुत ही प्यारा स्टंजा है। क्या कह रहे हैं इसमें? And we praise him every day. So, his friendship is good. किसकी friendship? Wind की friendship अच्छी है।
कैसे? अगर हवा जो है वो ब्लोज आउट करती है वीक फायर्स पे तो वो क्या होती है, बुझ जाती है, बट जो मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लोरिश, और वही जो है बहुत किसी चिंगारी को क्या कर सकती है, भड़का सकती है और बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर सकती है, मतलब रोल बहुत ही वाइड स्प्रेड कर सकती है आग को. सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. सो हमें क्या करना है, विंड से दोस्ती करनी है, हमें हमारी लाइफ की हार्डशिप से, हमारी प्रॉब्लम से दोस्ती करनी है ताकि हम उनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें. ऑलराइट, डरना नहीं है, वीक पर्सन नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है और फ्रेंडशिप करनी है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से, so that we can solve them. All right, and we praise him every day and we should be grateful of God every day ki that we have this beautiful life. Aur usme agar choti choti problems bhi aa rahi hai, so yes, I am ready to fight all these problems. All right, now flourish means hota hai grow, hai na, flourish likha hai yahan pe grow. Chaliye, so this was the poem beta, ye poetic devices rhyme scheme. So the entire poem is written in the free verse, koi rhyme scheme nahi hai, poet ne puri poem ko free verse likha hai. Okay, second hai anaphoram. So when a word is repeated at the start of two or more consecutive lines, it is the device of anaphora. So जहां पर आपके दो वर्ड्स जो हैं मोर कॉन्जिकेटिव वे में रिपीट हो रहे हैं वहां पर एनाफोरा होता है. सो लाइन 2, 3, 4 बिगिन विद डोंट, है ना, डोंट स्कैटर द पेजेस, डोंट ऐसे लिखा हुआ था ना लाइन्स में, तो डोंट वर्ड रिपीट हुआ है सेम कॉन्जिकेटिव लाइन्स में, दैट वॉज एनाफोरा इज देयर. ऑल राइट, नाउ 6, 7, 8 में यू भी लिखा हुआ है तो वो भी रिपीट हुआ है. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. सो विंड को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर, क्योंकि विंड के लिए ही भी यूज किया था ना, सो विंड को कंपेयर किया है ह्यूमन बींग से, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज हियर. रिपीटेशन, क्रम्बलिंग वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है. ओके, नाउ एलिट्रेशन. सो द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन, विंड, विनोज, वॉन्ट, वॉन्ट. ओके, सो यहाँ पर W कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग नियरर, सो दैट्स व्हाई एलिटरेशन इज देयर. सो दिस वाज द पोएम एंड द पोएटिक डिवाइसेस दैट वी हैव सीन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड द सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. ऑलराइट, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस. सो देखो, डज द विंड गॉड डू व्हाट वी टेल हिम. सो आपको आंसर करना है इसका बहुत अच्छे तरीके से. मैं आपको बता रही हूँ हाउ यू कैन राइट, हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. Okay, so the wind god is all powerful. He is not influenced by any external factors. He doesn't do what we tell him to do. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, wind god की, है ना. Neither our requests nor commands will influence him. He is mighty and sweeps away all weaklings with him. He loves strength and befriends with strong and steadfast heart. सो बेसिकली मतलब यही है कि गॉड भी उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं जो खुद से प्यार करते हैं और स्ट्रांगली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ऑल राइट, सो इन द मॉडरेट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, यू कैन राइट द आंसर. व्हाट डज द विंड सिंबलाइज. सो विंड क्या सिंबलाइज करता है, तो द विंड सिंबलाइज द रॉ एंड ब्रूटल पावर ऑफ नेचर. द विंड गॉड इज अ सिंबल ऑफ माइट एंड स्ट्रेंथ. He hates weaklings. He rather pokes fun at them, be they are frail houses, crumbling doors, or crumbling hearts and bodies. He spares none. He befriends only the strong. So, जो wind god है, जो wind है, वो केवल strongs के friends होते हैं, weaklings के नहीं. So, हमारे लिए भी same rule apply होता है. Okay? So, these were the questions. So, इसी type के questions आते हैं basically. So, I hope आपको पूरी poem अच्छे से समझ में आ गई है. एंड यस, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. 9th इज गोइंग टू बी ओवर, सो चैन कोर्स को लेने के लिए बिल्कुल भी डिले नहीं करना है. चैम्प में रजिस्टर करवाइए एंड यू विल बी हैविंग टीचर्स ऑफ 5 AIR 1, 55K+ IITians एंड डॉक्टर्स. एंड यू कांट इमेजिन, यू कांट एक्सपेक्ट कि IITians एंड डॉक्टर फैकल्टीज आपके लेक्चर्स में होंगे जो ऐप पर लेक्चर्स बने हुए हैं. ओके, एंड डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. रिकॉर्डेड तो आपके पास ही होगा, लेकिन डेली लाइव क्लासेस होंगे, आप डेली टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए.
एंड 5 layered मेंटरशिप। कभी भी डर लगे, कॉन्फिडेंस नहीं आए, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार अभी समझ नहीं आ रहा है किस टाइम टेबल को फॉलो करूं, किस प्रोसेस को अपनाऊं, तो उसके लिए आपके मेंटर्स आपके साथ रहेंगे हमेशा, दोस्त की तरह, दोस्त से भी ज़्यादा। एंड डाउट सॉल्विंग, 5 layered डाउट सॉल्विंग, ओके, एंड गेट 95%। मैं तो कहती हूँ 95% से ज़्यादा ही आते हैं। जो जो भी हमारी ईसरालाइट से अभी रिजल्ट आएगा, यू विल सी कि ईसरालाइट्स का हिस्ट्री है कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ऑलराइट, जिन्होंने भी ये कोर्सेज, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ओपी कोर्सेज लिए हुए हैं, एंड इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम द अकेडमिक्स यू विल बी हैविंग ओवरऑल डेवलपमेंट सेशंस जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल चलता वही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ओनली किताबी कीड़ा बनने से यू वोंट सर्वाइव। सो उसके लिए भी ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ऑलराइट, सो दिस वॉज द सेशन स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर इन दिस कोर्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।